यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्याना वस्थिततत् गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवायत स्मै नमः वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीतांबर दरुणबिम्बपलदरोष्टा पूरणेन्दुसुन्दरमुकार अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम् न जाने करारविन्दे दारविन्दम् मोहकारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारि हे नारायण वासुदेवा जिहवे पिबत्स्वा अमृतमेत देव गोविंद दामो धर्माधवे सभी भक्त दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके मेरे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः
भगवते वासुदेवा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। परम सौभाग्य आज से आपके इस यूके में बर्हिंगम है ना, बिल्कुल लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों के नीचे बैठकर उन्हीं की पावन लीला श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। जब हम कथा में आते हैं तो अनेक प्रकार के चिंता या अनेक प्रकार का चिंतन लेकर आते हैं, जैसे कि घर पर बच्चों को छोड़कर आए हैं क्या करते होंगे, या अपने पति को छोड़कर आए हैं कैसे भोजन करेंगे, या फिर अपना बिजनेस काम धंधा छोड़कर आए हैं उनका क्या होगा, या सैटरडे संडे की अपनी फेवरेट टीवी सीरियल को छोड़कर आए हैं। सो आज के एपिसोड में क्या हो रहा होगा, इस प्रकार की अनेक चिंता हमारे मन में चलती ही रहती हैं। जब हम भगवत कथा में बैठते हैं तो इन कथा का लाभ पूर्ण रूप से लेने के लिए इन सब बातों को छोड़ना होगा, एटलीस्ट 2-3 घंटे के लिए इन सब वस्तुओं को भुलाना होगा। क्योंकि जब तक हम वो पुराना भूलेंगे नहीं तब तक नया कुछ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आजकल तो मीडिया का जमाना है, आजकल के बच्चों को ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी उम्र वाले या मेरे से जो बड़ी उम्र वाले हैं अपने जमाने में फिल्मों का गीत सुनने के लिए वो कैसेट आया करती थी, है ना, टी सीरीज सोनी और उसमें भी जो रसिक लोग होते थे वो अपने फेवरेट गानों का लिस्ट बनाते थे और फिर उसे रिकॉर्ड करवाते थे। आप में से कितने लोगों ने किया है, कोई नहीं। अच्छा, यहां रसिक लोग बैठे हैं। देखिए, भगवत रसिक बनने के लिए पहले तो संसार का रसिक बनना होगा ना। एक बार गुरु मध्वाचार्य के पास एक आदमी पहुंचा और कहा कि गुरुदेव मुझे भगवान से प्रेम करना सिखाओ। क्या कहा? मुझे भगवान से प्रेम करना सिखाओ। तो गुरु मध्वाचार्य ने कहा कि आपने अपने जीवन में किसी से प्रेम किया है? बोले नहीं। अरे किसी गर्लफ्रेंड से प्रेम किया है? बोले कभी नहीं। कोई आपका मित्र मंडल कोई समाज किसी से? नहीं। बोले आपने जीवन में कोई किसी से प्रेम नहीं किया? बोले किसी से प्रेम नहीं किया तो तू भगवान से भी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे अंदर प्रेम करने की सर्किट ही नहीं है। प्रेम का जो तत्व होना चाहिए वही नहीं है। मैं कह रहा था कि वो जो कैसेट हम बनाते थे, अपने फेवरेट सॉन्ग उसमें रिकॉर्ड करवाते थे, और आप तो सब पैसे वाले, आप तो नई कैसेट लेकर देते होंगे ना। बिल्कुल। तो नई कैसेट लेकर आप दो और उसमें रिकॉर्ड कराओ तो बहुत अच्छे गाने बजते थे, लेकिन हम लोग जैसों के पास तो नई कैसेट का की कैपेसिटी नहीं होती थी तो वो पुरानी कैसेट ही दे देते थे, इसके ऊपर ही रिकॉर्डिंग कर दो।
तो ऑलरेडी उसमें गाना है और ऊपर दूसरा गाना रिकॉर्ड करते हैं तो कभी कभी दो गाने एक साथ बजते हैं, ये अनुभव है किसी को? तो आपको नया गाना रिकॉर्ड करने के लिए वो पुराना वाला गाना भूलना होगा। सो नया गाना आपको ठीक से बजाना है, नया गाना ठीक से सुनना है, तो वो पुराना वाला गाना जो है वो ठीक से डिलीट करना होगा, है ना? आप सब अपना कीमती समय निकाल कर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भागवत के आश्रय में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने हेतु आए हैं। इस भागवत रूपी गाने को ठीक से बजाना है, इस भागवत को ठीक से समझना है, तो एटलीस्ट दो तीन घंटे के लिए वो जो हमारा गाना है ना संसार वाला, उसे डिलीट करना होगा। यदि हम भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन, उनके गुणों का कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन करने से हमारा मन कॉन्सेंट्रेट होता है। शास्त्र में लिखा है कि मन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है? मनः त्रायते इति मंत्रः। यदि आप मंत्र को गाते हो, मंत्र का उच्चारण करते हो, तो मन शांत होता है, मन आपके कंट्रोल में आ जाता है। सो मंत्र का अर्थ है मंत्र, मंत्र में म जो है म माने मन और त्र माने त्राण करना, उसे तार देना, उसे शांत कर देना। तो हम लोग दूर दूर से आए हैं, अनेकों प्रकार की एक्टिविटी करते हुए आए हैं, हमें भागवत में भगवत कथा में कॉन्सेंट्रेट करना है, तो हमें मंत्र का उच्चारण करना होगा। और मंत्र भी बहुत सारे हैं, वेदों में शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन इन सभी मंत्रों का राजा है महामंत्र। महामंत्र सभी मंत्रों का राजा है। इसलिए आइए हम दो पांच मिनट महामंत्र का उच्चारण करें, और इसी के साथ साथ हम एक छोटा गीत गाएंगे, रोज गाएंगे। इस गीत के बोल हैं जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव, राधा और माधव की जय हो। राधा तो आप जानते हैं, माधव का अर्थ होता है मां माने लक्ष्मी, धव माने पति, लक्ष्मी के पति को माधव कहते हैं। सो इसे राधा और माधव की जय हो। कहाँ रहते हैं, कहाँ विहार करते हैं? लंदन की गलियों में नहीं, कुंज विहारी। हमारे भगवान कोई बंगलो बिहारी नहीं है या कोई फ्लैट बिहारी नहीं है, हमारे भगवान कुंज बिहारी, वृंदावन के कुंज निकुंज में विहार करते हैं। और गोपी जन वल्लभ, वल्लभ माने प्रिय, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के प्रिय है। गिरवरधारी, जिन्होंने गिरिराज गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाया, सो गिरिवरधा। यशोदा नंदन, जो यशोदा के पुत्र हैं, यशोदा को आनंद देने वाले हैं, और केवल यशोदा ही नहीं, ब्रज जन रंजन, ब्रज में रहने वाले सबको आनंद देते हैं। यमुना तीर वन चारी, और यमुना के तट पर वो लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, ऐसे राधा माधव भगवान की जय हो। तो यह है लिरिक्स, यह है शब्द, इसे हम गाएंगे, फिर महामंत्र गाएंगे, ताकि हमारा मन एकांत हो, मन शांत हो। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। राधे में
स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास श्री वृंदावन वास राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नात है सोते रो आदि सोते रो आधे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा वल्लभ गिरिवर दारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी आह गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदा नंदन रज जन रंजन यशोदा नंदन रज जन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी
श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। 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 गोविंद हरे हरे नाम महा धन है अपनो नहीं दूसरी संपत्तियों हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्रीरानी करानी अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी टूक मिले रसिको की सदा और पी बन को यमुना जल पानी टूक मिले रसिको की सदा और पीबन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे गोविंद जय श्री राधा गोविंद राधा गोविंद जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ ताई जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय
जय श्री गौरनिताय जय गौर प्रभुपद प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद प्रभुपद प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय नीताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद इस सभा को परम सुशोभित करने वाले भगवत कथा प्रेमी वरिष्ठ भक्तगण दूर दूर से देश विदेश से आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम राधे श्याम। सुपरम सौभाग्य शास्त्र में ऐसा लिखा है परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु पिताम्बर धारी अपनी भ्रिकुटी भंग मात्रेण इस संसार का सर्जन पालन और प्रलय करने वाले भगवान श्री कृष्ण की वांगमय मूर्ति है श्रीमद् भागवतम। और ऐसे भागवत का सानिध्य ऐसे भागवत की कथा वही व्यक्ति सुन सकता है जो भाग्यशाली है। मैं वेदव्यास मुनि की भाषा में कहूं तो व्यास जी ने लिखा भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषः यदा वै। हमारे अनंत अनंत जन्मों के पुण्य जब एक साथ उदित होते हैं तब हम भाग्यशाली बनते हैं। करोड़ों जन्म के पुण्य जब एक साथ मिल जाए तब कोई जीव भाग्यशाली बनता है और जब वो भाग्यशाली बनता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। और ऐसे सत्संग में बैठकर भगवत कथा श्रवण करने का सुंदर अवसर लाभ प्राप्त होता है। आज हमने या हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं कोई सत्कर्म किए होंगे कोई पुण्य किए होंगे ताकि हम ऐसे देश में रहकर भी इस घोर कलयुग में भी भागवत कथा श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हैं। और इस भागवत कथा श्रवण कराने का अवसर भगवान ने हमें निमित्त बनाया ये उनकी कृपा है।
और इस भागवत कथा का आयोजन करने के लिए वधुकुल परिवार को निमित्त बनाया। ये वधुकुल परिवार का सौभाग्य है। महाभारत में एक बहुत सुंदर प्रसंग है, जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध तय हो गया, तब एक दिन पांडव आपस में बैठे थे और डिस्कशन कर रहे थे, एक दूसरे को पूछ रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज, यदि ये युद्ध आपको सौंपा जाए आपके नेतृत्व में, तो आप ये युद्ध कितने दिन में जीत सकते हो? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, कम से कम 11 दिन तो लगेंगे। मुझे महाभारत का युद्ध जीतने में कितने दिन लगेंगे? 11 दिन। भीम को पूछा, भीम भाई, तुझे यदि युद्ध सौंपा जाए तो तू कितने दिन में जीतेगा? भीम ने कहा, मुझे 9 दिन लगेंगे, मैं अकेला भीम 9 दिन में युद्ध को जीत सकता हूं। नकुल और सहदेव दोनों, अश्विनी कुमार से जिसका जन्म हुआ, नकुल सहदेव को पूछा गया कि युद्ध यदि आपको सौंपा जाए तो आप कितने दिन में जीतोगे? नकुल सहदेव ने कहा, हम दोनों मिलकर 5 दिन में युद्ध जीत सकते हैं। युधिष्ठिर 11 दिन, भीम 9 दिन, नकुल सहदेव 5 दिन। अंत में अर्जुन को पूछा गया कि अर्जुन, तुम इस युद्ध को कितने समय में जीत सकते हो? तब अर्जुन ने कहा, मैं ये युद्ध एक निमिष मात्र में जीत सकता हूं। निमिष समझ सकते हैं? ये आंख की जो पलक है, बंद करके खोलो, इतना समय, एक सेकंड का भी 16वां भाग, निमिष मात्रेण में ये युद्ध को जीत सकता हूं। क्यों? क्योंकि युद्ध मैं नहीं करूंगा, युद्ध भगवान कृष्ण करेंगे। तो आप बोले, मैं तो निमित्त मात्र रहूंगा, निमित्र मात्र भवसव्य साची ही। भक्तों, हम और आप यदि निमित्त बनकर कार्य करें तो बड़े बड़े कार्य संपन्न कर सकते हैं। आज यूके की धरती में, बरिंगम में, यह इतना बड़ा भगीरथ कार्य का आयोजन वधुकुल परिवार के द्वारा हुआ, क्योंकि इनका भाव यही है कि हम कौन है, कथा आयोजन करने वाले हम कौन, हम तो निमित्त मात्र है। जब तक यह भाव हमारे दिल में होगा कि हम निमित्त मात्र है, ये करने कराने वाले भगवान है, तब तक हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मैं यदि सोचूं कि ये कथा मैं करने वाला हूं, मैं न हूं तो यहां कथा होगी ही नहीं, नहीं। यह कथा तो सदियों से भगवान की निगाह में तय हो चुकी थी, आज के दिन इस समय पे भागवत कथा होनी ही थी। कथा कराने के लिए वधुकुल परिवार को निमित्त बनाया और कथा गाने के लिए लाल गोविंद दास को निमित्त बनाया। हम और आप निमित्त है, और यहां सैकड़ों लोग कथा सुनने के लिए आने वाले थे, लेकिन ईश्वर ने आपको कथा सुनने के लिए निमित्त बनाया। किसी भी कार्य को करने के लिए 3 वस्तु होनी चाहिए। सबसे पहले इच्छा। क्या होनी चाहिए? इच्छा, डिजायर। इस दुनिया में किसी भी कार्य की शुरुआत इच्छा से होती है। सर्वप्रथम हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए कि हम कोई सत्कर्म करें, कोई अच्छा कार्य करें। इच्छा, लेकिन केवल इच्छा से नहीं होता, इच्छा के साथ साथ यत्न भी होना चाहिए। कई बार कुछ लोग नहीं कहते हैं, हमें भी प्रभु का नाम लेना है, हमें भी प्रभु का स्मरण करना है, लेकिन हमारे भाग्य में नहीं है। दारू पीना तेरे भाग्य में है?
सिगरेट पीना तेरे भाग्य में है, भक्ति करना भाग्य में नहीं है, करना नहीं है। मूल बात यह है कि हमें करना नहीं है। सो सर्वप्रथम कोई अच्छा कार्य करने के लिए इच्छा करनी होगी, और इच्छा से केवल काम नहीं होगा, इच्छा के साथ साथ यत्न करना होगा, मेहनत करनी होगी। केवल इच्छा और मेहनत से भी नहीं होगा, इच्छा होनी चाहिए, यत्न होना चाहिए, और साथ ही साथ भगवान का अनुग्रह होना चाहिए, ईश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। और श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए तो मैं आपको डंके की चोट पर कह सकता हूं कि जिस पर भगवान की असीम कृपा होती है वही श्रीमद् भागवत का श्रवण कर सकता है। आप सब देखते हैं ना, हमारे देश में इलेक्शन होता है, राइट? देश के लोग जिसको इलेक्ट करते हैं वो संसद में जाकर बैठता है, दुनिया के लोग जिसे इलेक्ट करते हैं वो संसद में बैठता है, राधा कृष्ण जिसको सिलेक्ट करते हैं वो कथा में आकर बैठता है। तो भगवान ने आपको चुन चुन कर यहां पर बिठाया है, सो आपके मन में इच्छा भी है, आपने यत्न भी किया और ईश्वर का अनुग्रह हुआ और हम सब भागवत की छत्र छाया में बैठे हैं। राधा रानी कृष्ण को कृष्ण नहीं कहती, वो जीवन कहती है, कृष्ण आप मेरे जीवन हो। एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा को मिलने के लिए बरसाना गए और दिन बीत गया, अंधेरी रात हुई, अचानक वर्षा होने लगी। कृष्ण ने कहा, राधे रात्रि का समय हो गया, मुझे नंदगांव वृंदावन वापस जाना होगा। लेकिन अचानक मौसम बदली, तब राधा रानी कृष्ण से कहती हैं, कन्हैया मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जीवन जी नहीं रे जवा दऊं आज वन मा, रात लड़ी रो कुरे। जीवन जी नहीं रे जवा दऊं आज वन मा, रात लड़ी रो कुरे। नहीं रे जवा दऊं वन मा, रात लड़ी रो कुरे। जीवन जी नहीं रे जवा दूया वन मा, रात लड़ी रो कुरे। के मारा नथड़ी नो शणगार, मारा हृदिया मारा कुरे। पेरवा पाट पटोला चीर हाते, हे मनी चूड़ी रे। जीवन जी नहीं रे जवा दूया जवन मा, रात लड़ी रो। वैसे कुछ लोग भागवत कथा श्रवण करते होंगे और आप सब जानते हैं पिछले कई वर्षों से हम भागवत कथा करते हैं कुछ विशेष सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन इस बार हमारे मन में कुछ नया विचार आ रहा है। यहां पर किसी भी प्रकार का बंधन या किसी भी प्रकार की लिमिटेशन न रखते हुए हम ओपन ग्राउंड में कथा करेंगे। भाई आपके देश ने तो क्रिकेट को लॉन्च किया है ना, और क्रिकेट हमारी फेवरेट गेम है,
वैसे हम अमेरिका में रहते हैं, जब भी कथा समाप्त होती है तो मैं और करुण केशव हम दोनों क्रिकेट खेलते हैं। बॉलिंग हम दोनों में से कोई, हमने बॉलिंग के लिए एक मशीन रखा है तो हम दोनों क्रिकेट खेलते हैं। एक मेरा अनुभव मैं आपको कहूं, सो पहले मैं बैटिंग करता हूं, फिर वो करुण केशव बैटिंग करते हैं, मेरा वो लड़का जो नाच रहा था। फिर वो जब आउट हो जाता है तो मैं कहता हूं अब तो तू आउट हो गया तो एक्स्ट्रा थोड़ा खेल ले। तो आउट होने से पहले वो ठीक से खेल नहीं पाता क्योंकि कंट्रोल होता है ना, आउट नहीं होना है, विकेट को बचाना है। ये आउट होने के बाद जब वो एक्स्ट्रा गेम होती ना ओपन, तो उसमें सिक्स और फोर के अलावा कुछ नहीं होता। ये हमारे रोज का अनुभव है। वो आउट होने के बाद जितना अच्छा खेलता है उसके पहले वो इतना अच्छा नहीं, क्योंकि पहले जो है ना वो कंट्रोल होता है और बाद में वो खुला ओपन खेलना होता है। तो सो बात नहीं, एक बात आपने यहां खुली रमवानी छे। यहां पर व्यास गादी नहीं, इस व्यास देव की गोद में बैठकर हृदय में जो भी प्रेरणा होती है, जो होगी वो आपके बीच में हम प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम जिस भागवत कथा का श्रवण करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, इस भागवत जी की महिमा हम संक्षिप्त में सुने। श्री वेदव्यास मुनि भागवत जी में, भागवत के पांच अध्याय में पद्म पुराण से स्कंद पुराण से भागवत जी की महिमा सुनाते हैं। और भागवत जी की महिमा सुनाने से पूर्व भगवान को मंगलाचरण करते हैं। किसी भी कार्य को आप करो तो मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। रोज सुबह उठकर मंगलाचरण करें, या कोई अच्छा काम करने जाए तो मंगलाचरण करें। कोई भी शुभ कर्म के प्रारंभ में मंगल आचरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंगलाचरण करने से जो कार्य करने हम जा रहे हैं उस कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता। जिस उद्देश्य के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं वो उद्देश्य हमारा संपन्न होता है। इसलिए व्यास मुनि मंगलाचरण करते हुए एक प्रसिद्ध श्लोक आप सब यदि आपको आता हो तो मेरे साथ गा सकते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपतियादिहे तुरे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री कृष्णाय वयम् नमः। वैसे तो ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। इस छोटे से श्लोक में बहुत बड़ी बात हो गई। श्री व्यास मुनि भागवत महात्म्य सुनाने से पूर्व भागवत जी की महिमा सुनाने से पूर्व भगवान को मंगलाचरण करते हैं, और मंगलाचरण में श्री कृष्णाय नमः, कृष्ण को नमस्कार करते हैं। ये हमारे देश की एक विधि है, जब भी कोई महान व्यक्ति मिले तो उसे नमस्कार करें। व्यास मुनि कृष्णाय नमः, कृष्ण को नमस्कार करते हैं। तो व्यास मुनि को पूछा कि आप कृष्ण को नमस्कार क्यों करते हो? कथम भूतम कृष्ण, कृष्ण कैसे हैं? तब श्री वेदव्यास मुनि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप सामर्थ्य और स्वभाव का परिचय देते हैं। कृष्ण का स्वरूप कैसा है? कहते हैं सच्चित आनंद रूपाय। कृष्ण कैसे हैं बोलिए? सत
चित आनंद रूपाय, ये कृष्ण का रूप है। और हमारा रूप कैसा है? कपित वायु रूपाय। कृष्ण का जो रूप है वो तीन वस्तु से बना है, सत, सत माने एग्जिस्टेंस, सत माने नित्यता, सत माने जिसका कभी विनाश ना हो। दूसरा भगवान श्री कृष्ण का रूप क्या लगा है उसमें? चित, चित माने आनंद, सॉरी चित माने ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण का रूप नित्य है, भगवान श्री कृष्ण का रूप ज्ञानमयी है, और तीसरा आनंद, कृष्ण का रूप जो है वो आनंदमयी है। हमारा रूप बिल्कुल उल्टा है, हमारा रूप सत नहीं है। जैसे भगवान का रूप नित्य है, उनका स्वरूप नित्य है, हमारा स्वरूप, आप अभी इतने अच्छे दिखते हो, घर जाके जब मुंह धो लोगे और मेकअप उतर जाएगा तो आपका मोबाइल का फेस लॉक भी थोड़ा सा परेशान हो जाएगा कि जब लॉक किया था तब ये नहीं थी। हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारा रूप बदलता रहता है, लेकिन कृष्ण सदैव नित्य सुंदर बने रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को हुए जन्म लिए 5000 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी कृष्ण 16 वर्ष के दिखाई देते हैं। किसी भी आदमी ने कृष्ण का फोटो बनाया तो ऐसे कोई बूढ़ा फोटो बनाया? बाल सफेद हो गए हैं, दांत गिर गए हैं, वो सदैव नव युवक बने रहते हैं, क्योंकि सत से बने हैं। उनके स्वरूप में चित है माने ज्ञान है। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मन्ति, कृष्ण की प्रत्येक इंद्रिया ज्ञानमय है, वो आंखों से खा सकते हैं, वो कानों से भी खा सकते हैं, वो सभी इंद्रियों से सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां ज्ञानमयी है। और तीसरा है आनंद है। हमारा रूप आनंद से नहीं, चिंताओं से बना है। आदमी सुबह घर से निकलता है, शाम को घर पर आता है, उसके चेहरे को देखकर आप 5 मिनट देखो तो लगता है कि पूरी दुनिया का भार इस एक ही आदमी पर आ गया है, कितना परेशान है। हमारा स्वाभाविक स्वरूप कैसा है? चिंताग्रस्त, अनेकों प्रकार की चिंता, टेंशन। लेकिन कृष्ण का स्वरूप कैसा है? आनंदमय, आनंदमय। और इसीलिए देखो, ये आनंद हमारे अंदर भी है, ओके, लेकिन उस आनंद को बाहर निकालने के लिए परम आनंदमयी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना होगा, उसका कीर्तन करना होगा। अब आप तो गांव में इतना रहे नहीं हो, गांव में जब बोरिंग किया जाता है, धरती में जब वो ड्रिल किया जाता है, जब पानी नहीं निकलता है, उसमें जो मशीन डालते हैं, वो मशीन में जब एयर पकड़ लेता है तो क्या करते हैं, पानी निकालना होता है ना, पानी नहीं निकलता तो उसमें ऊपर से पानी डाला जाता है। जब ऊपर से पानी डालते हैं और नीचे का पानी स्पर्श होता है तब अंदर का पानी बाहर आता है। तो हमारे अंदर आनंद है, उस आनंद को बाहर निकालने के लिए परम आनंदमय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी होगी, उनका नाम लेना होगा, क्योंकि कृष्ण सच्चित आनंद रूपाय, आनंद स्वरूप। आज से 5000 वर्ष पूर्व गोकुल में जब कृष्ण का जन्म हुआ तो ब्रजवासियों ने क्या गाया? नंद के घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के घेरा नंद भयो।
मैंने आपको ताली बजाने को कही थी? नहीं नहीं, आपको मैंने आपको कहा था ताली बजाना? आपके बाजू वाले ने कहा था ताली बजाना? कैसे बजी हैं? मैंने आपको गाने को कहा था? वो ताली, वो गाना, ये जो आनंद है ना आपके अंदर था, लेकिन उसको निकालने के लिए कृष्ण का नाम लिया गया। जैसे ही कृष्ण का नाम लिया वो आनंद बाहर आ गया, है ना? तो भगवान श्री कृष्ण सत चित और आनंदमय है, ये उनका स्वरूप है। किसी ने वेदव्यास जी को कहा कि देखो भाई, इस दुनिया में कुछ लोगों का रूप बहुत अच्छा होता है लेकिन सामर्थ्य शक्ति बहुत नहीं होती। कुछ लोग दिखने में ही अच्छे होते हैं, काम आने पर रफू चक्कर हो जाता है, खोजना पड़ता है। तो चलो भाई, आपके भगवान कृष्ण दिखने में सत चित आनंद है लेकिन उसकी शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है? तभी श्लोक में आगे क्या कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय, और आगे विश्व पतियादि हे तवे। कृष्ण का सामर्थ्य क्या है? विश्व उत्पत्ति आदि है तव। कृष्ण की शक्ति सामर्थ्य कितनी है? जो करोड़ों करोड़ों विश्व ब्रह्मांड को प्रकट कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं और समय आने पर उनका प्रलय कर सकते हैं। ये है उनकी शक्ति सामर्थ्य। तो वेदव्यास जी को कहा गया, भाई दिखने में भी अच्छा है, कामकाज में भी अच्छा है, लेकिन स्वभाव कैसा है? कुछ लोग दिखने में भी अच्छे होते हैं, काम करने में भी अच्छे होते हैं, लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं होता। आपके कृष्ण का स्वभाव कैसा है? तो वेदव्यास मुनि इसी श्लोक में आगे कहते हैं, तापत्रय विनाशाय। कितना सुंदर स्वभाव है कृष्ण का, कि संसार का दुखी दग्ध जीव जैसे तैसे उस कृष्ण की शरण में चला जाए तो वे भगवान श्री कृष्ण उस शरणागत भक्त के सारे दुखों को खत्म कर देते हैं। तापत्रय, तीन प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, सभी प्रकार के दुखों को वे खत्म कर देते हैं। ऐसी करुणा से भरे हुए भगवान श्री कृष्ण है, उस कृष्ण के चरणों में मैं बारंबार नमः नमस्कार करता हूं। सो इस प्रकार नमस्कार करते हुए आइए भागवत की महिमा, हम और आप ये जो ग्रंथ, ये भागवत सुनने जा रहे हैं, इसकी महिमा क्या है? कई बार भागवत ग्रंथ को देखकर लगता है कि जैसे हम लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये ऐसी ही एक किताब है। नहीं, श्रीमद् भागवत कोई साधारण पुस्तिका, कोई साधारण किताब नहीं है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान है। कैसे? आज से 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर थे, द्वापर युग के अंत में, भगवान कृष्ण 128.5 वर्ष तक इस धरती पर रहे। आप जानते हैं ना, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? आप बताइए, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? है मथुरा में हुआ। और जन्म के दिन ही कहाँ, मथुरा से कहाँ चले गए? गोकुल। फिर गोकुल में वृंदावन ब्रज में कृष्ण कितने दिन रहे? 11.5 वर्ष। कितने? 11.5 वर्ष कृष्ण ब्रज में रहे, कुछ दिन गोकुल में, 5 साल गोकुल में रहे, फिर नंदगांव, हम लोग जिसे वृंदावन कहते हैं। तो टोटल 11.5 वर्ष ब्रज में रहे। ओके, फिर ब्रज में से आ गए मथुरा। ओके,
मथुरा में लगभग 10-15 साल तक कृष्ण मथुरा में रहे और फिर वहां से आ गए द्वारिका। द्वारिका में कृष्ण 100 साल तक रहे। तो सबसे ज्यादा कृष्ण कहां रहे? हैं? द्वारिका। अच्छा, द्वारिका कहां आता है? हैं? गुजरात में। मतलब कृष्ण वैसे किस कास्ट के होंगे? मतलब कृष्ण की लैंग्वेज कौन सी होगी? कृष्ण ब्रज में 11.5 वर्ष रहे, मथुरा में 10-12 साल रहे और 100 साल द्वारिका में रहे। मतलब आपकी जानकारी के लिए, वह बॉर्न एंड बॉटअप जो था वो मथुरा और वृंदावन था, लेकिन कृष्ण की सिटीजनशिप जो थी वो द्वारिका की थी, गुजरात की। सो इससे ये कहा जाएगा कि कृष्ण हमारे गुजराती थे। इसलिए कथा भी थोड़ी गुजराती में होगी, आपको वांधा नहीं है ना? हुआ गुजराती में बोलीश तो वांधो नहीं ने? कारण के आ कन्हैयो 100 वर्ष गुजरात में रहियो, तो आने समझवा माटे थोड़ू गुजराती समझवू पड़े। सो 100 साल तक वे द्वारिका में रहे। अब 128 वर्ष जब बीत गए तो ब्रह्मा जी अनेकों देवी देवता द्वारिका में आए और कृष्ण से कहे कि प्रभु आपने देव कार्य को संपन्न किया, सब कुछ यहां पर ठीक हो गया, अब आप ये पृथ्वी छोड़कर अपने नित्य धाम वैकुंठ में वापस जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ में जाने का निर्णय किया और यह बात भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताई। अब उद्धव कौन? कृष्ण के प्रिय मित्र। कृष्ण ने कहा, उद्धव आज से ठीक 3 दिन के बाद मैं इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहा हूं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गए, प्रभु आपके बिना मैं कैसे जी सकता हूं? आपने यदि जाने का निर्णय किया है तो आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए, मैं यहां अकेला जीकर क्या करूंगा। तब कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, तुम्हें इस धरती पर रहना होगा, तुम्हें सनातन धर्म का प्रचार करना है, तुम्हें ये भागवत धर्म जीवों को सिखाना है, तुम्हें ये मैसेज जन जन में पहुंचाना है, तुम्हें रहना होगा। उद्धव जी ने कहा, लेकिन मेरे तो प्राण आप हो, आपके बिना मैं कैसे जी सकता हूं? तब कृष्ण ने कहा कि उद्धव, मैं मानता हूं कि तुम मेरे बिना जी नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन इस रूप में नहीं, मैं भागवत के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। और पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के सामने भागवत ग्रंथ में कन्वर्ट हो गए। ये भागवत क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण ही भागवत के रूप में कन्वर्ट हुए। ये भागवत कोई साधारण पुस्तिका, साधारण किताब नहीं, ये भागवत साक्षात कृष्ण है। इसलिए हम और आप यदि भागवत सुनते हैं, समझते हैं, तो मानो हम कृष्ण को सुन रहे हैं, कृष्ण को समझ रहे हैं। और यदि प्योर भागवत हो ना, यहां वहां की बात न करे, केवल भागवत की बात करे, तो यह भागवत सुनते हुए मानो आपको ऐसा ही एहसास होगा कि हम कृष्ण के साथ बैठे हैं, हम कृष्ण की गोद में बैठे हैं। यह है भागवत। सो भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ आप खोलते हो ना, तो उसमें सफेद रंग का पेज होता है और काले रंग के श्लोक होते हैं, राइट?
ये सफेद रंग का जो पेज है ये सफेद है राधा रानी, क्योंकि राधा का स्वरूप कैसा है? सफेद। और उसमें जो श्लोक है वो काले रंग का है, कृष्ण का स्वरूप कैसा है? काला है। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ में जो सफेद पृष्ठ है वो राधा और काले अक्षर जो है वो है कृष्ण। ये भागवत राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है, स्वयं भगवान है। ये दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, एक ऐसा ग्रंथ, ये ऐसी कथा है जिसको सुनने से हमारे जीवन में भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है और वैराग्य बढ़ता है। और इतना ही नहीं, ये भागवत सुनने वाले भक्त के हृदय में भगवान आकर बैठ जाते हैं। एक बार नारद मुनि, नारद को जानते ना, नारायण नारायण है? आप लोगों ने नारद का नाम बहुत बिगाड़ दिया है, है? कुछ लोग कहते हैं नारद माने किसी के घर पे झगड़ा लगाने वाला, नारद माने आग लगाने वाला। अरे नारद तो नारद है, नारद का अर्थ क्या है? नारद शब्द जो है ना, उसको थोड़ा सा संधि विच्छेद करें तो नार माने नारायण जो ऊपर बैठे हैं। नार माने, नार का अर्थ क्या होता है? नारायण। और द माने ददाती। इस दुनिया में कोई व्यक्ति दान करे तो क्या दान कर सकता है? थोड़ा सा पाउंड, यूरो, डॉलर, रुपया, पैसा, सोना चांदी, और क्या दे सकता है? गाड़ी बंगला। लेकिन नारद चाहे ना, नारद, नार माने नारायण, द माने देना, नारद चाहे तो हमें साक्षात नारायण को दे सकते हैं, जो भगवान को देने का सामर्थ्य रखते हैं, यह है नारद। और नारद का दूसरा अर्थ, संधि विच्छेद थोड़ा सा अलग कर दीजिए, ना माने नहीं और रद्द माने कैंसल। कहते ना रद्द कर दिया, कैंसल कर दिया, डिनाई कर दिया। सो नारद का अर्थ क्या होता है? एक बार जिसने कह दिया कि ये बंदा वैकुंठ जाएगा, फिर उसकी बात भगवान भी रद्द नहीं कर सकते, उसे नारद कहते हैं। नारद, जिसकी बात भगवान भी रद्द नहीं कर सकते। और उसका ज्वलंत प्रमाण कौन है जानते हैं? नल कुबेर और मणिग्रीव, शायद आपने कथा सुनी होगी। हमारे ब्रज में, गोकुल में, नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष थे जिसका नाम था यमलार्जुन। ये पूर्व जन्म में कुबेर के बेटे थे, नल कुबेर मणिग्रीव, और बहुत बड़ा अपराध किए थे, श्राप मिला इसलिए वृक्ष बने। जिस दिन माँ यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधा और फिर कृष्ण उस उखल को घसीटते हुए आगे चलने लगे, वो उखल दोनों वृक्ष के बीच में फंस गया। कृष्ण ने थोड़ा सा खींचा तो दोनों वृक्ष गिर गए और दोनों वृक्ष में से दो देवता प्रकट हुए और भगवान के धाम को। तो दोनों देवता भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आप लोगों के लिए हैं, आपका मुंह देखकर मैंने आपका उद्धार नहीं किया, मैंने नारद का चेहरा देखकर आपका उद्धार किया है। क्योंकि किसी दिन नारद ने आपको कहा था कि आपका उद्धार कृष्ण के हाथों से होगा। आप तो पाप कर रहे थे, शिव जी का अपमान कर रहे थे, लेकिन नारद जी ने कह दिया कि मेरे हाथों से आपका उद्धार होगा, तो मैं नारद की बात को रद्द नहीं कर सकता। नारद है, इसलिए मैंने आपका उद्धार किया है। ओके, तो ऐसे नारद मुनि, सुनिए, ऐसे नारद मुनि पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आकर विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते वृंदावन पहुंचे। कहां पहुंचे? बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ। सो वृंदावन में जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक 16 साल की युवती रो रही है।
उसके बाजू में दो बूढ़े लेटे हुए हैं, 60 साल के दो बूढ़े हैं और उसके बीच में 16 साल की युवती रो रही है। नारद जी वहां से जा रहे थे तो उस युवती ने नारद को पुकारा, भो भो साधु शरम तिष्ठ मत चिंताम पिनाशय, हे साधु आप रुको और हमारी चिंता को दूर करो। नारद जी ने कहा लेकिन आप कौन हो, मैं तो आपके बारे में जानता नहीं। तब उस कन्या ने क्या कहा, मैं साक्षात भक्ति देवी हूं। अरे भक्ति माता भक्ति देवी आप यहां रो रही हो, ये दोनों बूढ़े कौन है? बोले ये मेरे बेटे हैं। नारद जी का मस्तक चक्कर खाने लगा कि मां 16 साल की और बेटे 60 साल के, मां कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप पहले से बताओ प्रॉब्लम क्या है। तब भक्ति देवी ने कहा कि नारद जी द्रविड़े अहम उत्पन्ना, द्रविड़ देश में साउथ इंडिया में मेरा जन्म हुआ और फिर मेरे दो पुत्र हुए और ये दो पुत्र का नाम है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो मैं मेरे दोनों पुत्र को लेकर द्रविड़ देश से मेरा जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ और वहां से आगे बढ़ी तो वृद्धि कर्नाटके गताहा, मैं जब कर्नाटक में गई तो लोगों ने मेरा स्वीकार किया और मेरी वृद्धि हुई, प्रोग्रेस हुआ, प्रसन्न हुई। लेकिन कर्नाटक से जब मैं महाराष्ट्र में आई, आमची मुंबई, तो कुछ लोगों ने स्वीकार किया और कुछ लोगों ने त्याग दिया और फिर महाराष्ट्र को क्रॉस करके वापी वलसाड़ सूरत गुजरात में गई तो गुजरात वालों ने तो मुझे तोड़ ही दिया। अच्छा मां, ऐसा लिखा है पद्म पुराण में, गुर्जरे जीर्णताम गता, द्रविड़े अहम उत्पन्ना, द्रविड़ में मैं उत्पन्न हुई, वृद्धि कर्नाटके गता, कर्नाटक में वृद्धि हुई और क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में कुछ कुछ लोगों ने स्वीकार किया लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में तो मैं टूट ही गई। तब हमारे मन में गुजरातियों को तो प्रश्न हो सकता है ना कि आपड़ू आटलू घसातू कोई बोले एटले आपने केम सहन थाय, गुजरात वालों के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि गुजरात वालों ने भक्ति, हमारे गुजराती में क्यों ना तो भक्ति ना टाटिया तोड़ी ना क्या, भक्ति ने भांगीन भूको करी नाखी गुजरात वाला है। हवे आपड़े विचार करिए कि गुजरातियों में श्रद्धा केटली, आपड़े त्यां गुजरात में जेटला अन्न क्षेत्र चाले छे, आपड़े त्यां गुजरातीओ जेटली आखा विश्व में सेवा करे छे એટલો બીજો કોઈ સમુદાય નથી કરતો, તો ગુજરાતીઓ મેં શ્રદ્ધા ભી હૈ, ભાવના ભી હૈ, સેવા કી ભાવના ભી હૈ, સેવા કી ભાવના આપકો, ફિર ભી એસા કહા ગયા કે ગુર્જરે જીર્ણતામ ગતા। એક બાત યાદ રખિયેગા, ધ્યાન સે સુનિયેગા, કિસી ભી વ્યક્તિ મેં શ્રદ્ધા હોના બહોત અચ્છી બાત હૈ, સેવા કરના બહોત અચ્છી બાત હૈ, लेकिन हमारी श्रद्धा और सेवा के साथ यदि सच्चा ज्ञान न हो तो दुनिया के लोग हमारी श्रद्धा और सेवा का मिसयूज करेंगे, जो आजकल हो रहा है। इसलिए श्रद्धा और सेवा के साथ शुद्ध ज्ञान होना जरूरी है, शुद्ध ज्ञान। गुर्जरे जीर्णताम गता, तो फिर मैं बूढ़ी हो गई। भक्ति महारानी कहती है कि मैं बूढ़ी हो गई, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए और फिर मैं दोनों को लेकर वृंदावन में आ गई और वृंदावन के प्रभाव से मैं जवान हो गई। वृंदावन की भूमि भक्तिमय भूमि, तो भक्ति ने कहा मैं जवान हो गई लेकिन ये मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े के बूढ़े रह गए।
हे नारद जी, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हो गए, मूर्छित होकर गिर गए, उसको जीवित कर दीजिए। नारद जी ने कहा, मैं ये सब कैसे कर सकता हूं? भक्ति महारानी ने कहा, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम पुंसा। क्या मैं नहीं जानती कि आपका एक दर्शन किसी जीव का सारा दुख दूर कर सकता है? ध्रुव को, ध्रुव 5 साल का बालक था, आप उसको रास्ते में मिले, वो 6 महीने में भगवान के गोद में बैठ गया। और ध्रुव तो आपको मिला था, प्रहलाद तो अपनी मां के गर्भ में था, और आपने क्या चक्कर चलाया, महाभागवत बन गया। सो हे नारद जी, आप समर्थ हो, आप कृपा करो, मेरे ये ज्ञान और वैराग्य को जीवित कर दो। नारद जी ने कहा, चलो ट्राई करके देखते हैं। नारद जी ज्ञान वैराग्य जो लेटे हुए थे, बूढ़े हो चुके थे, उनके कान में वेदों के मंत्र बोलने लगे। सारे वेद पढ़ लिए, लेकिन मूर्छा में से बाहर आने की बात तो दूर, हिले भी नहीं। तब आकाशवाणी हुई कि वेदों के मंत्र से काम नहीं होगा, किसी सत पुरुषों के द्वारा सत्कर्म करा दो। नारद जी मन में सोचे, सत पुरुष कौन और सत्कर्म क्या? देखो ये थोड़ी प्रैक्टिकल बात है, हमें समझने लायक। सत्कर्म क्या? सत्कर्म माने इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म क्या है? यदि आपको कोई पूछे, मैं आपको पूछूं, एक एक करके जवाब दो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म कौन सा, तो सबके जवाब अलग अलग होंगे। डॉक्टर कहेंगे ऑपरेशन करना सबसे बड़ा कर्म है, पुलिस कहेंगे किसी चोर को पकड़ना सबसे बड़ा कर्म है, चोर कहेगा चोरी करना सबसे बड़ा सत्कर्म है। अपनी अपनी फील्ड में सब लोग अपने अपने काम को ही उत्तम मानते हैं, परंतु भगवान की दृष्टि से सबसे महान कर्म कौन सा, सबसे उत्तम कार्य कौन सा? नारद जी कंफ्यूज, भक्ति महारानी रो रही है, वो दोनों मूर्छित मरे से पड़े हैं, अब क्या करे, सत्कर्म क्या? नारद जी ने कहा, रुको, मैं किसी साधुओं को खोजता हूं, वहीं से आंसर मिल जाए। नारद जी वृंदावन से निकले, हरिद्वार, उत्तराखंड, आप जानते ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नारद मुनि बद्रीनाथ में पहुंचे। सो एक धातु विशालायम चतवार अमरो मलाह, और उस विशालायम बद्रीनाथ नगरी में नारद मुनि खोज रहे थे, और वहां पर उनको सनकादिक ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक सनातन, उनका दर्शन हुआ। सनकादिकों ने नारद जी को देखा तो नारद जी कुछ चिंतित थे। सनकादिकों ने कहा कि नारद जी, आप तो भजन करने वाले आदमी, इतनी चिंता में? कोई लोभी आदमी होता है, लोभी, और उस लोभी का धन कोई लेकर चला जाए, लोभी जानते ना, एक होता है लोभी, दूसरा होता है लोभी का जाम। एक आदमी की पत्नी बीमार, बहुत इलाज कराया, ठीक नहीं हुई, अब अंतिम घड़ी गिन रही थी, वो आदमी अपनी पत्नी को कहने लगा, तू चिंता मत करना, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर को लेकर आता हूं, बस तू अपनी सांस संभाल के रखना। आदमी घर से निकला, दरवाजे से वापस आया, मैं जा रहा हूं डॉक्टर साहब को लेने के लिए, और मुझे आने में यदि देरी हो जाए और तुम्हारे प्राण छूट जाए, तुम मर जाओ, तो ये पंखे की स्विच बंद कर देना। इसे कहते हैं लोभी का जाम, लोभी की सीमा, और ऐसे लोभी का धन चला जाए और वो जितना दुखी होता है, उतने ही दुखी नारद मुनि आप लग रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? नारद जी ने कहा कि प्रॉब्लम यह है कि इस दुनिया में सत्कर्म क्या है, सबसे उत्तम कर्म कौन सा?
तब उन सनकादिकों ने कहा कि इस दुनिया में सबसे उत्तम कर्म है यज्ञ। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा यज्ञ दान तपसा न त्याज्यम एवः। सबसे बड़ा कर्म है यज्ञ करना, जिससे सबका भला होता है। लेकिन यज्ञ भी दो प्रकार के होते हैं। आपकी जानकारी के लिए, यज्ञ दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो आप लोग जानते हो, हवन कुंड होता है, उसमें अग्नि जलाई जाती है, घी की आहुति इत्यादि आहुति दी जाती है, इसे कहते हैं द्रव्य यज्ञ। सो एक होता है द्रव्य यज्ञ, और उस द्रव्य यज्ञ से भी उत्तम, उस द्रव्य यज्ञ से भी कोटि गुना श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। एक छत के नीचे बैठकर ज्ञान ग्रहण करना, ये उससे भी बड़ा यज्ञ है। आप कहोगे उस हवन कुंड के यज्ञ में तो आहुति दी जाती है, ज्ञान यज्ञ में कौन सी आहुति दी जाती है? ज्ञान यज्ञ में हमारे बुरे कर्म की आहुति दी जाती है। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म है यज्ञ करना, और यज्ञ में भी ज्ञान यज्ञ सबसे ऊंचा यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ से भी ऊंचा यज्ञ है भागवत कथा रूपी प्रेम यज्ञ। सो जब तक भागवत कथा रूपी प्रेम यज्ञ नहीं होगा, तब तक भक्ति महारानी के जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो जीवित नहीं होंगे। सो नारद जी को आंसर मिल गया कि भक्ति के वो पुत्र ज्ञान वैराग्य को कैसे जीवित करें, भागवत कथा से जीवित कर सकते हैं। नारद जी ने सनकादिकों का को कहा कि आप भागवत कथा गाओगे, बोलोगे? बोले बोलेंगे। लेकिन सनकादिकों ने कहा कि देखो, आप भागवत कथा और ऑर्गेनाइज करोगे, लेकिन भागवत कथा के लिए बहुत सारी चीज चाहिए। नारद जी ने कहा मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा, क्या चाहिए बताओ? पहले तो बहुत अच्छा स्थान चाहिए। नारद जी ने कहा हरिद्वार में आनंद वन में मैं आपकी कथा कराऊंगा। स्थान तो हो गया, स्थान के साथ बोले श्रोताओं का कान चाहिए। बोले श्रोताओं के कान भी हो जाएंगे, और बोले श्रोताओं का ध्यान चाहिए, और ध्यान के साथ साथ गान भी चाहिए। नारद जी ने कहा यह भी व्यवस्था कर दूंगा। देखिए हमारे यहां पर बहुत सुंदर स्थान भी है, स्थान के साथ साथ आप सबके कान भी हैं। ध्यान का थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, लेकिन वो भी धीरे 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 आ जाएगा। लेकिन कभी भी हमारी प्रैक्टिस बहुत कम है ना कथा सुनने की, इसलिए कभी कभी कथा सुनते सुनते नींद भी आ जाती है। एक तो प्रैक्टिस कम है, और दूसरा क्या है ना, कथा में इतना आनंद आता है, इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति कि नींद आ जाती है। और जब कोई कथा में सोता है ना, तो मुझे तो गर्व होता है कि देख, और किसी काम में नहीं आए, कम से कम सुलाने के काम में तो आ गए हैं। ये दुनिया के लोग कहते हैं ना, आप लोग बस केवल हरे कृष्ण करते हो, समाज सेवा करते हो कि नहीं, समाज के लिए क्या किया? तो ये समाज सेवा नहीं है। लोगों को रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली लेते हैं फिर भी नींद नहीं आती, आ जाओ कथा में, आधे घंटे में नींद, गहरी नींद। सो वैसे कथा में आकर सोना भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन कथा में आकर जगेंगे तो और अधिक लाभ मिलेगा, और अधिक लाभ। सो नारद मुनि ने कहा कि मैं कथा का आयोजन करता हूं, मुझे तो वो भक्ति के जो ज्ञान वैराग्य है ना, उसे जीवित करना है। सो नारद जी ने बहुत सुंदर कथा का आयोजन किया, सनकादिक वक्ता हुए, और इसका निमंत्रण वायु वेग से पूरी दुनिया में पहुंचा। बड़े बड़े लोग उस कथा में आए, और वहां कथा शुरू नहीं हुई, ध्यान से सुनिएगा पद्म पुराण का ये इतिहास। वो जो ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो गए थे, उसके कान में
केवल इतना गया कि हरिद्वार में भागवत कथा हो रही है। जैसे आजकल कथा का निमंत्रण कार्ड बनाते ना फ्लायर है, वो केवल पहुंचा। और इतना सुनते ही कई 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 महीनों से जो मूर्छित थे ज्ञान और वैराग्य, वो मूर्छा में से बाहर आ गए, आंखें खुल गई, खड़े हो गए। और भक्ति महारानी के साथ ज्ञान और वैराग्य चलकर हरिद्वार में आए, भागवत कथा में बैठे। और यहां पर गंगा के तट पर गंगा की तरह धारावाहिक कथा प्रारंभ हुई। जैसे जैसे कथा चलती गई, वैसे वैसे ज्ञान वैराग्य का ज्वर दूर होता गया। और धीरे 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 कथा के एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, सात दिन समाप्त हो गए। ऐसा वर्णन है, कथा के सातवें दिन महासंकीर्तन हुआ। सब लोग खड़े होकर भाव से महासंकीर्तन करने लगे। और उस संकीर्तन में इंद्र ने ये तबला बजाया, ऐसा लिखा है। प्रहलाद महाराज ने करताल बजाया, किसी ने झांझ बजाया, किसी ने मंजीरा बजाया, सब लोग मृदंग वाजिंत्र बजाने लगे। महासंकीर्तन हुआ। और उस महासंकीर्तन में भक्ति और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल जवान हो गए और नाचने लगे। और जब इस प्रकार से सात दिन भागवत कथा सुने, तो उस समय भगवान विष्णु आए। अब भगवान विष्णु आए तो सबसे बड़ा प्रश्न हुआ कि भगवान विष्णु को बिठाया कहां जाए। जैसे यहां पर व्यवस्था है ना, व्यासपीठ पर मैं बैठा हूं, कुछ भक्त नीचे बैठे हैं, कुछ भक्त चेयर पर बैठे हैं। अब कोई बड़ा आदमी आए तो इससे बड़ी कैटेगरी कहां से हम लाए हैं। तो सारी कैटेगरी फुल हो चुकी थी। भगवान विष्णु आए, उनको कहां बिठाया जाए। कि भगवान ने कहा, मैं कहां बैठूं। तब सारे भक्तों ने कहा कि प्रभु, आपके चरणों में निवेदन है, आपके लिए केवल एक ही आसन बचा है। बोले, कौन सा। बोले, जो भक्त आपकी भागवत कथा सुनेगा, उस भक्त के हृदय में आकर आप बैठ जाइए। भगवान ने कहा, तथास्तु। जो भक्त भागवत कथा सुनेगा, उस भक्त के हृदय में मैं निवास करूंगा। ये भगवान विष्णु का वरदान है। और इसीलिए श्री वेदव्यास मुनि ने भागवत के प्रारंभ में कह दिया, निगम कल्प तर और गलितम फलम सुख मुखा दय अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भूवि भावुका। धर्म प्रोजित कैत वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्य वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्य ही अवरुद्धते तकृति भी सुश्रूषु भी तत्क्षणात। संस्कृत में है लेकिन बहुत बड़ी बात कर गए। श्रीमद भागवत कथा सुनने से भगवान हमारे हृदय में आकर बैठेंगे, ये बात नहीं है। श्रीमद भागवत कथा सुन लेने के बाद भगवान हृदय में आएंगे, नहीं। क्या कहते हैं, यदि कोई भागवत कथा सुनने की इच्छा करे, जिस समय कोई मन में संकल्प करता है ना कि मैं भागवत कथा सुनूंगा, वो संकल्प करने मात्र से भगवान उस भक्त के हृदय में आकर बैठ जाते हैं। इसी को कहते हैं सद्य। सद्य माने तुरंत। सद्य ही अवरुद्ध तेत कृति भी सुश्रूषु भी तत्क्षणात। भागवत सुनने की इच्छा करने वाले के हृदय में भगवान आकर बैठते हैं। और यदि कोई प्रेम से भाव से भागवत सुनने लगे, तब तो भगवान उसके हृदय में नाचने लगते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
राम हरे जब कीर्तन होता है, खास करके भागवत में जब कीर्तन होता है तो सभी भक्तों को कीर्तन गाना चाहिए। एक तो कीर्तन गाने से क्या होता है ना, नींद उड़ जाती है, अंदर जो नींद आती है ना, वो नींद जोर जोर से गाएंगे तो नींद, ये कथा में नींद आना स्वाभाविक है। क्योंकि जब भगवान रामचंद्र ने कुंभकर्ण का वध किया, कुंभकर्ण जानते हैं ना, रावण का भाई, उसकी प्रोफाइल जानते हैं, कभी फेसबुक में चेक कीजिए, 6 महीना सोता था, कितना कुंभकर्ण 6 महीना सोता था और उनकी पत्नी का नाम है निद्रा देवी, कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी। राम जी ने जब कुंभकर्ण को मार दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी राम जी के पास आई और राम जी के पास आकर कहने लगी कि प्रभु आपके जो भक्त है आपकी प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। राम जी को लगा कि इसका पति मर गया तो ये भी भक्ति करना चाहती है, तो राम जी ने सीक्रेट बता दिया, बोले मेरी प्राप्ति करने के लिए मेरी कथा सुननी चाहिए, यदि कोई मेरी कथा सुनेगा तो मेरी प्राप्ति कर सकता है। तब कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी ने कहा तो मैं आपका बदला लूंगी, इस दुनिया में जो जो आपके भक्त है आपकी प्राप्ति करने के लिए आपकी कथा सुनने बैठेंगे मैं उसके सिर पर जाकर बैठ जाऊंगी। इसलिए दुनिया में जहां जहां राम कथा कृष्ण कथा होती है निद्रा देवी कथा सुनने वाले के सिर पर आकर बैठ जाती है। राम जी ने कहा कि चलो तुम अपना काम करो, मैं भी एक वरदान देता हूं कि जहां कथा होगी कथा सुनने वाले के सिर पर आकर तुम बैठ जाओगी, लेकिन कथा में जब जब मेरा नाम का कीर्तन होगा वो कीर्तन यदि कोई गाएगा तो तुम उसे छोड़कर कोसों दूर चली जाओगी। स्वभाव से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भाव से गाइए हरे कृष्णा 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 राधे हरे 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 राम 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 हरे हरे। 50% रिजल्ट नो आयु, इतना सुनाने के बाद भी आधे लोग भी नहीं कीर्तन कर रहे हैं। और एक बात सुना देता हूं, और एक बात कहता हूं, भागवत कथा जब चलती है और कथा के दौरान जब कीर्तन होता है वो कीर्तन यदि कोई गाता है तो ऐसा लिखा है कि हृदय में करोड़ों करोड़ों जन्म के जो पाप है कीर्तन करने से बाहर निकल जाता है। तब कोई पूछेगा कि चलो अब तो हम करेंगे, 100 में से 100 रिजल्ट आएगा, लेकिन अब हम कथा के समय कीर्तन करेंगे और हमारे अंदर से वो सारे पाप निकल जाएंगे, लेकिन वो निकल के जाएंगे कहां? तो आपके बाजू में जो कीर्तन नहीं करता है वहां जाकर बैठ जाएंगे। अब एटलीस्ट पड़ोसी वाले का पाप हमारे अंदर न आ जाए, इसलिए भाव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे भाव से हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
और एक लास्ट बात कर दूं, अंतिम बात है? पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि जब हम सोते सोते कीर्तन करते ना, जैसे पितामह भीष्म शरसैया पर सो रहे थे, सोते सोते कीर्तन किए ना, भीष्म स्तुति सोते सोते गाए ना, हम यदि सोए सोए कीर्तन करें तो कृष्ण हमारे बाजू में आकर बैठ जाते हैं। यदि हम बैठे बैठे कीर्तन करते हैं तो कृष्ण हमारे सामने खड़े रह जाते हैं। यदि हम खड़े खड़े कीर्तन करें तो कृष्ण हमारे सामने नाचने लगते हैं। लेकिन यदि हम नाचते नाचते कीर्तन करें तो कृष्ण कूद कर हमारे दिल में आ जाते हैं, खड़े होकर नाचते हुए। कृष्णा हरे हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। हम रोज तीन तीन घंटे कथा करेंगे और कथा के बिल्कुल मझधार में, मतलब डेढ़ घंटे के बाद खड़े होकर कीर्तन, इससे इसमें बहुत लाभ है। एक तो नींद उड़ जाती है, दूसरे पाप चले जाते हैं, दूसरे पड़ोसी के पाप अंदर नहीं आते हैं, तीसरा कृष्ण नाचते हैं गाते हैं भाव से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, हरि कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में। भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में, भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आप पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे, अपने चरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में, अपने शरण सेवा हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि प्यासे तुम्हारे दर्शन के, नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के, नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के, नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन, इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में, इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आले ये आलो आलो, Thank you.
चरण धोई चरणामृत पावे, चरण धोई शरणामृत पावे, चरण धोई चरणामृत पावे, चरण धोई शरणामृत पावे। हेलो बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में, 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 आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। श्री हरि नाम संकीर्तन की। आइए अब भागवत में प्रवेश करते हैं। तैयार हैं? अभी तो हम सब बाहर खड़े थे, कुंडाले में नहीं आए हैं, अब हम अंदर जा रहे हैं। ऐसा कहते हैं, जहाँ पर महाभारत का अंत होता है वहाँ से श्रीमद् भागवत प्रारंभ होता है। महाभारत आप सब जानते हैं, महाभारत का वह भीषण युद्ध 18 दिन तक चला और उस युद्ध के 18वें दिन भीम की गदा से दुर्योधन को मारा गया। यदा मृधे को रव सृंजयानाम वीरेश वतो वीर गतिम गतेषु वृको दरावीद्व गदावी मर्ष भगनो रुदंडे धुतराष्ट्रपुत्रे। सो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला और 18वें दिन भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा टूटी है। अमावस्या की रात्रि है और उस कुरुक्षेत्र के रणांगन में दुर्योधन अपनी अंतिम सांस गिन रहा है। भागवत की शुरुआत हो रही है, भागवत शुरू होने जा रहा है, यह भागवत की कथा है। दुर्योधन तड़प रहा है, अंधेरी रात है और 18 दिन के युद्ध का श्रम है। सो पांडव अपनी अपनी शिविर में वापस चले गए और अपनी अपनी शिविर में जाकर पांडव सो गए। यहां दूसरी ओर दुर्योधन की खबर लेने के लिए महाभारत के 3 वीर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये 3 वीर दुर्योधन को देखने के लिए, उनकी खबर लेने के लिए आते हैं। बाकी तो सब ठीक, परंतु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन को देखकर दुखी हो गया। जीवन भर मैंने जिसका नमक खाया, जीवन भर जिनके टुकड़ों पर मैं पला, मेरे स्वामी दुर्योधन की यह हालत। अब दुर्योधन की यह हालत उनके कर्म के कारण हुई थी, लेकिन बस अश्वत्थामा को हृदय में कष्ट हुआ। बोले, मैं मेरे स्वामी को भर्तुम प्रियम द्रोणी रीतिम स्म पश्यन कृष्णा सुता नाम स्वपताम श्रीरामशी। सुत जी कहते हैं,
अपने भर्तार स्वामी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा पांडवों की शिविर में गया है और पांडवों की शिविर में जाकर पांचों पांडवों के मस्तक सोए हुए थे। युद्ध का परिश्रम था, सो नींद गहरी थी। पांचों पांडवों के मस्तक काट कर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और कहा, स्वामी स्वामी आप चिंता मत कीजिए, मैं पांचों पांडवों के मस्तक काट कर आया हूं। तब दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा क्या बोल रहा है तू? बोले, हां स्वामी, पांचों पांडव मर गए। दुर्योधन ने इतना ही कहा कि भाई अश्वत्थामा, यदि ऐसा है तो मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दे कि जब तू पांडवों के मस्तक काटने गया तब कृष्ण कहां था? अरे स्वामी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? दुर्योधन ने कहा, जीवन भर में और तो कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन इतना तो अवश्य समझ चुका हूं, जहां कृष्ण खड़े हैं वहां उनके भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना तो मैं समझ चुका हूं, इसलिए पहले तो मुझे ये बता कि कृष्ण कहां था। अश्वत्थामा ने कहा, स्वामी मुझे पता था कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगे और इसीलिए मैं पांचों पांडवों के मस्तक काटकर गोनी में भरकर यहां लेकर आया हूं। अमावस्या की अंधेरी रात है, देख तो नहीं सकता, लेकिन अश्वत्थामा वो पांडवों के मस्तक मेरे हाथों में रख ताकि मुझे पता चलेगा, उसमें जो भीम का मस्तक होगा ना उसे तो मैं पहचान लूंगा। दुर्योधन सोया हुआ है और अश्वत्थामा पांडवों के मस्तक उनके हाथों में रखता है। दुर्योधन जैसे ही उसे पकड़ता है तो वो मस्तक पच 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 करके पांचों मस्तक फूट जाते हैं और तब दुर्योधन को पता चला कि अश्वत्थामा पांडवों के मस्तक नहीं, पांडवों के पांच पुत्र के मस्तक को काट कर लाया है। दुर्योधन दुष्ट था लेकिन कायर नहीं था। दुर्योधन को बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये तूने क्या कर दिया, मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाया कि छोटे छोटे बच्चों के मस्तक काटकर, सोए हुए बच्चों के मस्तक काट कर लाया। दुर्योधन को बहुत शोक हुआ और किसी ऋषि ने दुर्योधन को श्राप दिया था कि दुर्योधन, तेरे जीवन में जब हर्ष और शोक दोनों एक साथ होगा तब तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडवों का मस्तक काट कर लाया हूं सुनकर दुर्योधन को हर्ष हुआ और ये पांडवों के नहीं उनके नन्हे नन्हे बालकों के मस्तक हैं, ये सुनकर दुर्योधन को शोक हुआ। हर्ष शोक दोनों साथ दुर्योधन की मृत्यु हो गई। लेकिन दूसरी ओर द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने गई, रोज की तरह अपने बच्चों के मस्तक से चद्दर हटाई तो द्रौपदी क्या देखती हैं? द्रौपदी के उन पांचों बालकों के मस्तक कटे हुए हैं। द्रौपदी चिल्लाने लगी, बिलखने लगी, माता शिशूनां निदनं सुताना निशम्य बालं तां सांत्वयन्ना कीरीटमाले। द्रौपदी चिल्लाने लगी, रोने लगी, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन पांचों पांडव आ गए, क्या हुआ, और अपने पांचों बालकों के मस्तक कटे हुए देखे।
अर्जुन से रहा नहीं गया और तुरंत प्रतिज्ञा की देवी द्रौपदी, जिस किसी ने तुम्हारे बच्चों के मस्तक को काटा है, आज संध्या तक उस कायर को तुम्हारे चरणों में लाकर रख दूंगा। उसके मस्तक पर अपना पांव रखकर अपने बच्चों की अंतिम क्रिया करना, ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है। अर्जुन ने कृष्ण को इशारा किया, कृष्ण ने अपना दिव्य रथ निकाला, कृष्ण रथ चला रहे, अर्जुन पीछे हैं और अश्वत्थामा का पीछा किया है। अश्वत्थामा का रथ आगे आगे, कृष्ण अर्जुन का रथ पीछे पीछे। कहते हैं अश्वत्थामा के रथ के घोड़े थक गए, घुटना टेक दिए। अश्वत्थामा रथ से नीचे उतरा, स्वयं दौड़ने लगा, अर्जुन रथ से नीचे उतरे, दौड़ने लगे। अब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए, उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र का संवाहन कर दिया। भयंकर प्रलय का समय आ गया। अर्जुन समझ नहीं पाए क्या हुआ। अर्जुन कृष्ण के पास गए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर त्वम एक दैय माना नाम अपवर्गोसि संसृते। कृष्ण ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब कृष्ण कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, वापस लौटाना नहीं जानता। तो प्रभु मैं क्या करूं? बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ और फिर दोनों ब्रह्मास्त्र वापस खींच लो। कृष्ण ने जैसा कहा अर्जुन ने वैसा किया और फिर पुनः कृष्ण और अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करने लगे और अश्वत्थामा को पकड़ लिए। पशुवत पाशबंधम, पशु की तरह अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के चरणों में सौंप दिया। अब देखिए, हम लोग श्रीमद् भागवत सुनने बैठे हैं ना, अब भागवत के एक एक चरित्र आप देखिए, एक एक चरित्र। द्रौपदी कहती है कि अश्वत्थामा अपराधी है, माना। अश्वत्थामा से गलती हुई, यह भी माना। लेकिन पतिदेव, अश्वत्थामा को दंड देने का अधिकार हमारा नहीं है। अरे हम अश्वत्थामा को दंड नहीं दे सकते, आप इसे छोड़ दीजिए। कितनी बड़ी बात है। इस दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा? उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा जब कृष्ण जा रहे थे, प्रभु जाते जाते बता जाइए दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा? बोले किसी अपराधी को क्षमा कर देना, यह सबसे बड़ा दान है। भक्तों, हम लोग मनुष्य है और मनुष्य से गलती होती है, और खास करके हम लोग एक परिवार में रहने वाले, समाज में रहने वाले, हमारे अपने ही लोगों से जीवन के किसी मोड़ पर कभी कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना, माफ कर देना, ये महान आदमी का गुण है। भक्तों, महान कौन जो किसी को क्षमा कर दे। एक बात याद रखिएगा, 5 साल का बालक 50 साल के बूढ़े को क्षमा कर देता है ना, तो 50 साल के बूढ़े से वो 5 साल का बालक महान है, महान है, क्योंकि उस बालक में क्षमा करने का गुण है। क्षमा करें। हम और आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं, ये धरती हमें क्या क्या देती है? रहने के लिए घर कौन देता है? धरती। जिस लकड़ी से, जिस सीमेंट से घर बनता है, वो कहां से आती है? धरती से। जीवन जीने के लिए अन्न कहां से मिलता है? धरती से। पानी कहां से मिलता है? धरती से। ये धरती माता हमें सब कुछ देती है और हम लोग धरती को क्या देते हैं? केवल गंदगी फैलाते हैं। लेकिन फिर भी धरती माता हमें क्षमा कर देती है,
और इसलिए धरती का एक नाम ही हो गया क्षमा, धरती को क्षमा कहते हैं। और धरती माता में ये गुण है दूसरे को क्षमा करने का, इसलिए भगवान विष्णु ने इस वसुंधरा को, धरती को अपनी पत्नी बना लिया। यदि हम और आप चाहें ना कि विष्णु कृष्ण नारायण हमें अपना ले, हमें अपना बना ले, तो धरती की तरह हमें भी दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए, दूसरे को क्षमा करने का गुण होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में बदला लेने की भावना, इसने ये किया तो मैं ये करके दिखा दूंगा। एवरी डॉग हैज वन डे, आज तेरा है कल मेरा, मतलब अपने आप को कुत्ता तो समझ ही लेता है बंदा। नहीं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध। हमारे देश में कितनी सुंदर कहावत, क्षमा बड़न को, जो बड़ा आदमी होता है, ये बड़े की बड़ाई क्या है कि वह छोटे को क्षमा कर दे। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध, कहां विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। हमारे देश का एक साधु ऋषि भृगु, ब्रह्मा का मन से अपराध किया, क्रोध आ गया। शिव जी का वाणी से अपराध किया, वो तो त्रिशूल ही उठा लिए, लेकिन भगवान विष्णु की छाती में लात मार दिया तो भगवान उनके चरणों में बैठ गए, क्षमा कर दिया। क्षमा करना ये भगवान, ये देवी गुण है भक्तों। हमारे परिवार में कोई बहू आई है, उनसे कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करें। कभी कोई पत्नी से गलती हो जाए उसे क्षमा करे, पति से गलती हो जाए क्षमा करे। अरे गलती करना ये मनुष्य का स्वभाव। अब बताओ, यदि हम गलती न करते तो कौन गलती करता? यदि मनुष्य गलती न करे तो वो भगवान बन जाए। सो क्षमा कर देना। आज द्रौपदी अश्वत्थामा को क्षमा कर रही है। अर्जुन ने कहा लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है, बोले पतिदेव आपकी प्रतिज्ञा जो भी हो वो आप देखो, आपका लुकआउट, मैं इसे मरने नहीं दूंगी। और आप विचार तो करो, आपके गुरु का पुत्र है, छोड़ दीजिए इसे। तब भगवान कृष्ण आए और अर्जुन को कहा कि अर्जुन, किसी महान व्यक्ति का अपमान कर देना उसकी मृत्यु के बराबर होता है, इसका अपमान करके छोड़ दो। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से, भ्रिकुटी से वो रोचक मणि निकाल दिया और उसके बालों को थोड़ा सा विचित्र, आज यदि ऐसा बाल करे तो एक नई स्टाइल बन जाएगी, कितनी सुंदर स्टाइल लेकर आया है। लेकिन उन दिनों ये मृत्यु के समान माना जाता था। सो अश्वत्थामा को लज्जित करके छोड़ दिया। और दूसरी ओर युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बन गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के हाथों से 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए। कृष्ण युधिष्ठिर पांडव द्रौपदी माँ कुंती को लेकर गंगा के तट पर गए और युद्ध में जो लोग मर चुके थे उनका तर्पण कराया, उनका श्राद्ध कराया। अथ ते संपरेता नाम स्वानाम उदक इच्छताम, ये बात याद रखिएगा, स्वानाम हमारे जो अपने हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है उसकी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि ये हमारे पीछे भागवत कथा करे, ये हमें कुछ श्राद्ध करे, पिंड दान करे, हमें जल प्रदान करे। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है स्वानाम उदक इच्छताम, इसलिए दातुम स्वकृष्ण गंगायाम, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये विधि कराते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद एक दिन कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि भाई, मैं द्वारिका से आया, बहुत दिन हुआ, अब मेरा भी बहुत बड़ा परिवार है, 16,108 पत्नी,
एक पत्नी को छोड़कर दो पांच दिन जाओ तो फोन के ऊपर फोन आते, कब आ रहे हो। अब घर पर बुलाकर केवल झगड़ा ही करना होता है, लेकिन फिर भी है, अपनों से दूर जाते हैं तो याद तो आती है। सो कृष्ण ने कहा महाराज मुझे जाना होगा, कन्विंस किया भीम नकुल सहदेव सबको। पछी तो मारे गुजराती में केवू पड़े के भगवान श्री कृष्ण माता कुंती पासे जाए अने कुंती ने कहे के माँ हवे हूँ जाऊँ छू, अन माता कुंती ना पेट में फाड़ पड़ी के मारो कन्हैयो वयो जशे। हवे मारे आ छे ने गुजराती में ज बोलवू पड़े, कारण के फाड़ छे ने आपणी गुजराती में ज पड़े, हिंदी में फाड़ पड़े नहीं। हूँ 15 वर्ष थी गोतू छू, आ फाड़ हिंदी में कई रीते पड़े, इंग्लिश में तो दूर दूर सुधी न पड़े। आपणे तो कहे ने फाड़ पड़ी पेट में। कृष्ण आप चले जाओगे? कृष्ण ने कहा अब मेरी यहां कोई जरूरत नहीं है मां, यहां सब कुछ ठीक हो गया। मां कुंती कहती क्या खाक ठीक हुआ? इमे जनपदा सवृद्धा कृष्ण, ये जनपद, ये राज्य, ये युधिष्ठिर, ये सब कुछ सुशोभित है क्योंकि आप यहां पर हो। जिस दिन कन्हैया आप चले गए ना, जैसे शरीर में से प्राण निकल जाए फिर वह शरीर किसी के काम का नहीं रहता, वो लाश हो जाती है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण आप चले गए तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सारी शोभा आपके कारण है। लेकिन मां मुझे जाना होगा, पत्नियां बच्चे जैसे तैसे अपने हृदय में पत्थर रखकर मां कुंती ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। कृष्ण दिव्य रथ पर बैठे हैं, उद्धव और सात्यकी रथ को चलाने की तैयारी हो रही है। उसी समय अश्वत्थामा ने क्या किया, कुछ लोग इतने आतंकी होते हैं ना, चैन से जीते नहीं है ना जीने देते हैं, वो घर जाकर चैन से नहीं बैठा, 6 ब्रह्मास्त्र चलाए, 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों पर और 6ठा ब्रह्मास्त्र यह सोचकर पूरे पांडवों के वंश को खत्म कर दूंगा। सो पांडवों के वंश को आगे चलाने वाला अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, वो तो मर चुका था लेकिन उसकी पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक था जो आगे चल के परीक्षित हुआ। सो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उत्तरा ने जब देखा कि ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, अपना समय व्यर्थ न गवाते हुए उत्तरा दौड़कर कृष्ण के पास आई। कृष्ण रथ पर चढ़ चुके थे और दोनों हाथ जोड़कर पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे योग योगेश्वर, हे कृष्ण, पाही माम पाही माम, कन्हैया मेरी रक्षा करो। कृष्ण रथ पर बैठे बैठे कहते हैं क्या हुआ, बोले अश्वत्थामा का वो धधकता हुआ ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। कृष्ण परीक्षा लेते हैं कि बोले अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र तुम्हें लग जाए और तुम मर जाओ क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे पति वैसे ही मर चुके हैं और बिना पति के पत्नी को सुख होता नहीं, पति मर गया तुम भी मर जाओ। जिय बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पति बिन नारी, सीता जी ने कहा था कि जैसे पानी के बिना नदी कुछ काम की नहीं रहती, प्राण के बिना यह देह काम का नहीं रहता, वैसे पति के बिना पत्नी सुखी नहीं हो सकती। सो मानो कृष्ण कहे कि तुम्हारे पति मर गए तुम भी मर जाओ तो क्या फर्क पड़ता है। उत्तरा ने बहुत सुंदर बात कही, भक्तों हमें गर्व लेने जैसी बात हम भारतवासियों के लिए। उस समय उत्तरा कहती है कि अभी द्रवति मामीश मामे गर्भो निपात्यताम, कृष्ण मैं मर जाऊं
मुझे कोई गम नहीं है, मुझे मरने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे पेट में जो बालक है ना, उस बालक की आप रक्षा कर लीजिए, उस बालक को आप बचा लीजिए। आर्यवर्ष की एक माँ खुद मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपने गर्भ की रक्षा कर रही है, और पाश्चात्य देश की माँ, पाश्चात्य देश की मायू, मायू बहुत सारू अंबे से अपने आप को सुखी होकर जीने के लिए अपना गर्भपात करा देती है, एबोर्शन करा देती है। श्रीमद् भागवत जी में यह भी कहा गया कि एबोर्शन करना, गर्भपात, यह बहुत बड़ा पाप है, जघन्य पाप है। उत्तरा ने कहा मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कर लीजिए। तब कृष्ण ने अंतिम परीक्षा, अंतिम प्रश्न, उतना तुम मेरे पास क्यों आ रही हो, मैं तो बांसुरी बजाने वाला लड़का, ये तुम्हारे पांडव खड़े हैं उसको बोलो, वो अभी अभी युद्ध जीत कर आए, इतने बड़े पराक्रमी हैं। उत्तरा बहुत सुंदर कहती है कृष्ण ये पांडव पराक्रमी है ये मैं मानती हूं, पांडवों को कहा जाए कि एक मिनट में हजारों को मार देना है वो मार देंगे, लेकिन कृष्ण मरे हुए को जीवित केवल आप ही कर सकते हैं, मरे हुए को जीवित केवल आप कर सकते हैं। हम लोग रोज देखते हैं ना, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल में सुनते हैं कि आज यहां इतने मर गए, इतने रेल दुर्घटना में इतने मर गए, फ्लाइट से इतने गिर गए, इतने ने सुसाइड कर ली, लेकिन कभी आपने ऐसा सुना कि एक आदमी मर गया था उसे शमशान में लेकर गए और किसी ने उसे जीवित कर दिया? इस दुनिया में लोग किसी को मार सकते हैं लेकिन मरे हुए को जीवित एकमात्र कृष्ण कर सकते हैं, फिर वो सांदीपनी मुनि का पुत्र हो या द्वारिका के ब्राह्मण का पुत्र हो या उत्तरा के गर्भ का वह पुत्र हो, मरे हुए को जीवित कृष्ण कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ईश्वर नहीं परम ईश्वर है। इस दुनिया के छोटे मोटे जितने कंट्रोलर हैं, उस कंट्रोलर के भी कंट्रोलर, इसलिए कहा गया ईश्वर परम कृष्ण, वो परम ईश्वर परमेश्वर है। जब इस प्रकार उत्तरा ने प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में चले गए, एक हाथ में चक्र एक हाथ में गदा। किसी ने पूछा उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए गदा काफी थी, चक्र क्यों उठाया? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान ने सोचा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को मिटाने के लिए गदा फेल हो गई तो चक्र से काम बना लूंगा, लेकिन मैं मेरे भक्त की रक्षा अवश्य करूंगा। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मेरे भक्तों की रक्षा करने में कितना उत्सुक हूं, एक्साइट हूं। सुकृष्ण उत्तरा के गर्भ की जाते जाते भी आप देखो तो सही, जब तक हस्तिनापुर में रहे खूब पांडवों की रक्षा किए, सेवा किए, और जब हस्तिनापुर को छोड़कर जा रहे हैं तो जाते जाते भी उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते, और जब इस प्रकार से रक्षा की तब देवी कुंती कृष्ण के इस ऐश्वर्य को देखकर कृष्ण को बहुत सुंदर स्तुति करने लगी है, और कृष्ण को स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप भगवान हो, आप ईश्वर हो। श्रीमद् भागवत में एक प्रकरण है स्तुतियों का प्रकरण, आप जानते हो ना, भागवत में गजेंद्र की स्तुति है, पितामह भीष्म की स्तुति, काली नाग की पत्नियों की स्तुति, ब्रह्म स्तुति, शिव स्तुति, वित्रासुर की स्तुति, कितनी स्तुति है, लेकिन श्रीमद् भागवत में प्रथम स्तुति है कुंती स्तुति। अनेकों श्लोकों में देवी कुंती ने स्तुति की, उन अनेकों श्लोकों में प्रथम श्लोक देवी कुंती कहती हैं, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम
ईश्वर प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूताना अंतर बहिर अवस्थितम। देवी कुंती कृष्ण को नमस्कार करती है, नमस्य। अब 5 मिनट पहले कुंती ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया था, मंगलम भव सुखी भव चिरायु भव। अपना बेटा समझकर कुंती ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कृष्ण ने थोड़ा सा पराक्रम क्या दिखाया, वही कुंती कृष्ण को प्रणाम कर रही है, नमस्य। कृष्ण कहते हैं, बुआ जी आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो, मैं तो आपका छोटा सा बालक हूं, आप मेरी माँ हो। कुंती ने बहुत सुंदर कहा, कृष्ण कृष्ण तुम दिखने में बालक हो, तुम दिखने में छोटे हो, दिखने में बालक हो, लेकिन तत्व से यदि देखा जाए तो चराचर जगत के बाप हो, इस संसार के ईश्वर हो, क्योंकि आप सबके आदि हो। आदि जानते हैं, हम लोग जब स्कूल में थे ना तो तर्क करते थे, चलो पहले मुर्गी आई के अंडा, आप कहोगे मुर्गी तो कहोगे मुर्गी कहां से आई अंडे से, आप कहोगे अंडा तो अंडा कहां से आया मुर्गी, केवल तर्क ही हुआ। पहले पेड़ आया कि बी बीज, तब भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं ये सब तर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले बीज आया। तो फिर बीज कहां से आया, गीता में कृष्ण कहते हैं अहम बीज प्रदह पिता, इस सृष्टि का रूट कोज, ये सृष्टि का मूल एकमात्र मैं कृष्ण हूं, भगवद गीता में कृष्ण ने कह दिया। सो कृष्ण सबके आदि है, सबके रूट है, सबके स्त्रोत्र है, इसलिए देवी कुंती कहती हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि एक पल में किसी को अपना बेटा मानना और दूसरे पल में भगवान मानना, मैं आपको थोड़ा फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं ना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ तो सभी प्रकार के भक्त हैं, जो सीनियर डिवोटी है, जो कई वर्षों से भागवत सुनते हैं, उनको समझने लायक एक बात। भगवान श्री कृष्ण के दो प्रकार के प्रेमी भक्त होते हैं, एक है ब्रजवासी, ब्रजवासी भी कृष्ण से प्रेम करते हैं, दूसरे हैं मथुरावासी द्वारिकावासी, वो भी कन्हैया से प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों के प्रेम में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, ब्रजवासी कृष्ण को अपना बेटा मानते हैं, या कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, या कृष्ण को अपना प्रियतम मानते हैं, दैट्स इट। ब्रजवासी कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, और यह बहुत ऊंची बात है। मैं आपको कहूं, कृष्ण को भगवान मानना ऊंची बात है कि कृष्ण को अपना बेटा मानना ऊंची बात है, बताओ कितने लोग भगवान मानना ऊंची बात मानते हैं? कृष्ण को भगवान मानना ऊंची बात है कि कृष्ण को अपना बेटा मानना ऊंची बात है, या कृष्ण को अपना सखा मानना ऊंची बात है, कृष्ण को अपना प्रियतम मानना? कृष्ण को भगवान मानना ये बहुत नीची बात है, ये बहुत बेसिक लेवल की बात है। अब आप कभी कहो ना कृष्ण भगवान है, मैं भगवान को प्रणाम, कृष्ण को मन में लगता है एक थप्पड़ मारूं इसको मैं मूर्ति से बाहर आके, ये मान लो ये कैसा लगता है जानते हो, आप अपने घर पर आप अपनी बहनपणी अपनी सखी के साथ बैठे हो, आपके पति आए और आपकी सखी आपको पूछे कौन आया, ये मानव आया, मनुष्य आया है, वो पति क्या सोचेगा, मैं आदमी हूं जानवर थोड़ी हूं, मतलब आप अपने पति का इंट्रोडक्शन दो, ये कौन है, ये मनुष्य है, गलत, ये पॉइंट गलत तो नहीं है, मनुष्य ही है ना, लेकिन यदि आप कहो कि ये तो मेरे प्राण प्रिय पति है,
वो संबंध, वो रिलेशन में जो सुख, जो आनंद है, वो मनुष्य कहने में नहीं है। तो कृष्ण भगवान है तो है, जैसे हम मनुष्य है वैसे वो भगवान है, लेकिन हमारे कौन है? क्या हमारा वात्सल्य है? क्या वो हमारा बेटा है? क्या वो हमारा स्वामी है, हमारे सखा है, प्रियतम क्या है? तो ब्रजवासियों ने कृष्ण को अपना बेटा माना, सखा माना, बस वो भगवान कभी नहीं मानते। 6 दिन की उम्र में कृष्ण ने पुतना को मार दिया, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों ने क्या कहा जानते हैं? देवताओं की बड़ी कृपा है, देवताओं ने हमारे बेटे की रक्षा की। ये देवताओं का बाप है, ये देवताओं को बचाने आया है, लेकिन ये लोग जानते ही नहीं है। जब कृष्ण 3 महीने के थे ना, तब शक्टासुर का वध कर दिया, फिर भी सारी क्रेडिट देवताओं को गई, देवताओं ने शक्ति दे, देवताओं की बड़ी कृपा है। अरे ये सब छोड़ो, 7 दिन 7 रात अपनी एक उंगली पर गोवर्धन धारण किया, अब तो समझना चाहिए ना कि कुछ तो है इसके अंदर। 7 दिन गोवर्धन उठाया, लेकिन एक भी ब्रजवासी इसको भगवान मानने में समर्थ नहीं है। कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया, सब लोग खुश, यशोदा रो रही है। बस यशोदा रो रही है, कोई पूछा यशोदा तुम क्यों रो रहे हो, बोले तुम लोग को दया नहीं आ रही, मेरा बेटा 7 दिन से खड़ा है, न कुछ खाया न कुछ पिया। मां को तो यही होता है ना, मेरा लाला कुछ खाता नहीं, कितना सुख, कितना पतला हो गया है, कितना सुख, 150 किलो का तो हो गया है, लेकिन मां को तो वो पतला ही लगता है। मां अपने बेटे का पेट देखती है और पत्नी पाकिट देखती है, बस इतना ही फर्क है। कई सालों के बाद, कई दिनों के बाद जब बेटा आता है, तो मां की दृष्टि पेट पर होती है और पत्नी की पाकिट पर, कितना लाया। ये भी गलत नहीं है, पत्नी का अधिकार है। सो मां यशोदा रो रही है, आप लोगों को दया नहीं आ रही, 7-7 दिन से बेचारा कुछ खाया नहीं पिया नहीं। ब्रजवासी लोग सोचने लगे कि ये खा पी नहीं रहा है, इसको कुछ हो गया, कृष्ण को कुछ हो गया, तो जीवन भर ये सुनाएगी, जीवन भर ये ताना मारेगी। एक काम करते हैं, थोड़ी देर ये हम उठा लेते हैं, कृष्ण को थोड़ा फ्री छोड़ देते हैं खाने पीने के लिए। तो ब्रजवासी लोग अपनी लठिया, अपनी लकड़ी, अपना हाथ सब कुछ टिका कर खड़े रह गए और कहा, कन्हैया थोड़ी देर तू रेस्ट कर ले, आराम कर ले, तेरी माँ रो रही है, खाना पीना खा ले, हम लोग संभाल लेंगे। कृष्ण ने कहा पक्का? बिल्कुल पक्का। सब लोग पोजीशन लेकर खड़े रह गए और कृष्ण ने अपनी उंगली थोड़ी सी नीचे की, सारे गोवर्धन का भार उनके हाथ पर, और इतना भार, अरे 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 कृष्ण 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 क्या, कृष्ण ने फिर से उठा लिया। 2-3 बार ट्राई की, लेकिन किसी से उठा नहीं। कृष्ण हंसने लगे, कृष्ण को हंसते हुए देखकर ब्रजवासी लड़के क्या कहते हैं कि सारे तू हंस क्यों रहा है, तू ये सोच रहा है कि गोवर्धन तूने उठाया है, कृष्ण ऐसे खड़े उठाकर, तू ये सोच रहा है कि ये गोवर्धन तूने उठाया। कृष्ण कहते हैं लगता तो है मैंने ही उठाया है, तुमको कुछ और दिखाई दे रहा है तो बताओ। बोले कतः नहीं, गोवर्धन तूने नहीं उठाया। अच्छा, कृष्ण भी थोड़ी देर सोच में पड़ गए, ये गोवर्धन मैंने नहीं उठाया तो किसने उठाया? बोले हमारे घर पर जो माखन चोरी करके खाया है ना, ये तेरा बल नहीं, हमारे घर के माखन का बल है, ये हमारा घर का माखन उठा रहा है। कछु माखन को बल बदो, कछु गोपन करी सहाय। श्रीमती राधा रानी की कृपा से तूने गिरिवर लियो उठाए। ने तो विचार करो, गोवर्धन ब्रजवासियों के माखन के कारण उठा, गोपों के कारण उठा, और इन्होंने क्या कहा, यदि राधा की कृपा न होना तो गोवर्धन क्या तू एक घास का तिनका भी नहीं उठा सकता। सही बात है,
मुझे ये बताओ, चलो आज मेरे मन में एक नई चीज आ रही, आप यहां से जा रहे हो और आपकी कोई भारी वस्तु गिर गई, कोई थैला कोई बैग लेकर आप जाते होंगे और आपको उठाना हुआ तो आप किस हाथ से उठाओगे, राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से? नहीं नहीं, आप मुझे आज आज बता ही दो। कोई वजन वाली वस्तु है, बहुत हैवी है, और उसको आपको अचानक उठानी हुई तो आप किस हाथ से उठाओगे? यदि आप राइट हैंड से सारा काम, लेफ्टी नहीं हो तो आप राइट से ही उठाओगे ना, स्वाभाविक है। किसी भी भारी चीज को आप राइट हैंड से ही उठाओगे। कृष्ण लेफ्टी थे कि राइटी थे? कृष्ण राइटी थे ना, और इतना बड़ा गोवर्धन उठाना हुआ तो कौन सा हाथ यूज करना चाहिए हैं? तो फिर लेफ्ट हैंड से गोवर्धन क्यों उठाया? नहीं, कुछ सेंस तो बननी चाहिए ना। किसी भी भारी चीज को उठाना है और यदि हम राइटी है तो राइट हैंड ही यूज करेंगे। कृष्ण राइटी थे, गोवर्धन भारी था, तो कृष्ण को राइट हैंड यूज करना था, तो लेफ्ट हैंड से क्यों उठाए? ब्रजवासियों ने क्या कहा? राधा रानी की कृपा से तूने गिरवरली उठाया। कृष्ण ने लेफ्ट हैंड इसलिए क्योंकि हमारा हार्ट जो है ना लेफ्ट में होता है, और श्रीमती राधा रानी कृष्ण के हृदय में बैठी है, और वो गोवर्धन क्योंकि राधा रानी लेफ्ट में है इसलिए कृष्ण ने अपना लेफ्ट हार्ट से गोवर्धन उठाया। वो गोवर्धन कृष्ण ने नहीं, कृष्ण ने राधा के बल से उठाया था। सो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे गोवर्धन उठाए, पूतना को मारे, अघासुर मारे, शक्टासुर मारे, अरे दावा नल को पी जाए, लेकिन फिर भी कृष्ण हमारा बेटा है, हमारा सखा है, कोई भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। यह है ब्रजवासियों का संबंध, ब्रजवासियों का प्रेम। और मथुरा वाले भी कृष्ण को अपना मानते हैं, द्वारिका वाले भी अपना मानते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। और वो अंतर क्या है कि कृष्ण के साथ संबंध तो है, लेकिन कृष्ण थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखा देना तो वो संबंध दब जाता है और कृष्ण को भगवान मानने लगता है। और उसमें एग्जाम्पल ले लीजिए अर्जुन का। अर्जुन कृष्ण का क्या था? सखा। कृष्ण के कंधे पर हाथ रखना, एक थाली में खाना, सब कुछ चल रहा था। लेकिन भगवद गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को विभूति योग, अर्जुन तेज में मैं चंद्रमा हूं, ज्ञानियों में मैं शुक्राचार्य हूं, नदियों में मैं गंगा हूं। कृष्ण ने बहुत, अर्जुन ने कहा फेंक तो बहुत लंबी, गुजराती लोग फेंकते बहुत है, इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हो आप, तेज में मैं चंद्रमा, ये वो, ये केवल ऑडियो सुनाओगे, कुछ वीडियो भी दिखा दो, कुछ प्रमाण तो दिखाओ। तो 10वें अध्याय भगवद गीता 10वें अध्याय में कृष्ण ने विभूति योग सुनाया, और 11वें अध्याय में दिव्य चक्षु देकर कृष्ण ने विराट रूप दिखा दिया। और कृष्ण को सखा मानने वाला अर्जुन जब कृष्ण का विराट स्वरूप देखता है, उस विश्व रूप को देखता है, अर्जुन का वो सखापना जो था ना वो खत्म हो गया। अरे बाप, अब तक जिसको मैं मेरा मित्र मानता था ये तो भगवान निकला। भगवद गीता में उस कुरुक्षेत्र के रणांगन में अर्जुन की आंखों से जार 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 अश्रु की धारा बहने लगी, और अर्जुन रोते हुए कृष्ण से कहने लगा कि हे कृष्ण मुझे क्षमा कर देना। सखे ति मतवा प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण
कृष्ण हे या दव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम्। हे कृष्ण, मैं अब तक आपको मेरा मित्र मानता था, आपके कंधे पर हाथ रखकर घूमता था और मैं आपको तुकार करके बुलाता था, एक थाली में आपके साथ खाता था, लेकिन आज पता चला कि आप तो भगवान हो, आप तो ईश्वर हो। सो अर्जुन का वो साख्य भाव दब गया, भगवत भाव प्रकट हो गया। सो कहने का अर्थ यह है, दो प्रकार के कृष्ण के भक्त होते हैं, एक चाहे कृष्ण कुछ भी करें भगवान मानने के लिए तैयार नहीं, और दूसरे जो कृष्ण के साथ संबंध तो है लेकिन ऐश्वर्य दिखाने पर वो उसे भगवान मानता है। ब्रजवासियों का प्रेम ठंडी में जमे हुए घी के तरह है, ठंडी में जब घी जम जाता है ना, वो कांच की जार में या कांच के ग्लास में जमा हुआ घी, उसमें आप सोने का सिक्का डाल दो तो वो दिखाई नहीं देता है, ये ब्रजवासियों का प्रेम है। और द्वारिका वासी मथुरावासी का प्रेम कैसा है, पिघले हुए घी के समान, पिघले हुए घी में सोने का सिक्का डालो तो वो आर पार दिखाई देता है, भगवान की भगवत्ता वहां दिखाई देती है। लेकिन सार यह है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, कौन छोट बड़ा समझ अपराध हो, रामायण में कहा छोटा बड़ा ये करना ये बहुत बड़ा अपराध है, घी जमा हुआ हो या पिघला हुआ उसका रेट तो सेम ही होता है, उसका भाव तो एक ही होता है, केवल दिखने में अंतर है। सो इस प्रकार से भगवान के भक्त देवी कुंती मथुरावासी द्वारिकावासी का भाव है, अब तक कृष्ण को अपना बेटा मानती थी लेकिन कृष्ण ने जब अपना ऐश्वर्य प्रकट किया तो वो बेटे का जो भाव था वो दब गया और कृष्ण को भगवान मानने लगी, और कृष्ण को भगवान मानकर कृष्ण की सुंदर स्तुति करने लगी। तो आज हमारी कथा का जो समय यहां समाप्त होता है, प्रथम दिन की कथा यहां पर हम विराम लेते हैं, कल कुंती माता की स्तुति से कथा प्रारंभ करके आप सभी भक्त अपना कीमती समय निकालकर इस कथा श्रवण करने हेतु आए, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।